गुड इवनिंग गुड इवनिंग पीयूष सर हैज़ जॉइंड अस सर कैन यू गेट द रिक्वेस्ट विच आई एम शेयरिंग आपको रिक्वेस्ट जा रहा है हेलो सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाउ आर यू। आई एम गुड सर हाउ आर यू सर थैंक यू सर आई एम टू फाइन। द कन्वर्सेशन विल बी इन हिंदी, आर यू कंफर्टेबल? सर व्हाट एवर यू विश सर व्हाट एवर यू विश वी कैन गो बिकॉज माय बुक इज इन ऑल व्हिच आई हैव रिटर्न द बुक्स आर इन हिंदी दैट्स व्हाई आई विल स्पीक इन हिंदी इन इंग्लिश सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल कम अगेन हिंदी 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 ओके सर बेशक कोई मसला नहीं है सर आवाज आ रही है आपको एग्जैक्टली? बिल्कुल आ रही है बिल्कुल आ रही है। ओके सर सर हम लोग थोड़ी देर बस जी ये रिकॉर्ड हो रहा है ना यू आर ऑडिबल यस सर आप क्लियरली ऑडिबल है तो दिस दिस रिक्वेस्ट सर आपसे एक आग्रह है कि द मोमेंट टिल अदर पीपल ज्वाइन हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2 से 3 मिनट बट बिफोर दैट जस्ट इन केस टू इन्फॉर्म यू ऑल कि जो TOC है द ओपस कोलेशियम हाउस इट इज़ अ पब्लिकेशन हाउस एंड अ कम्युनिटी हम लोग एक कम्युनिटी भी चलाते हैं फॉर राइटर्स एंड विच एक्चुअली प्रमोट्स द राइटर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स और किन से हम लोगों ने बहुत सारे इंटरनेशनल राइटर्स को भी एंटरटेन किया अपने पब्लिकेशन हाउसेज में एंड वी हैव नॉट जस्ट केप दिस लिमिटेड टू इंडिया और स्पेशली इन टू द पेंडेमिक जब हम लोग सारे लोग घर पे थे तो जो TOC की कंप्लीट टीम है हम लोग ऑनलाइन बहुत सारे इवेंट्स करते रहते थे जैसे कि ऑनलाइन ओपन मिक्स हो गए या फिर ऑनलाइन बहुत सारे कॉन्टेस्ट्स हो गए जिसमें हम लोगों को और युवाओं को और हर स्तर के लेखकों को हम अपने यहाँ पे इनवाइट करते थे और एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छा माहौल होता था क्योंकि यहाँ पे बडिंग राइटर्स को एक्सपीरियंस राइटर्स से सीखने मिलता था फिर उसके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंस राइटर्स को भी बहुत सारी कुछ चीज़ें नहीं पता चलती हैं क्योंकि जरूरी नहीं हो कि आप अगर कुछ एक यू नो काइंड ऑफ आपने बहुत सारी बातें करी बहुत क्योंकि जितने भी हमारे पास एक्सपीरियंस राइटर्स आए जैसे कि सर आप हो गए या फिर जितने भी अनुभवी लेखक हमारे पास आए वो हमेशा कहते थे कि युवाओं से ना सीखने के लिए मिलता है बहुत कुछ क्योंकि उनमें एक कह सकते हैं कि एक न्यू फ्लेवर होता है वो एक नए ढांचे में होते हैं तो उनसे जाहिर है कि वो जो एक नयापन है वो निकल के आता है तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा TOC जो है काम करती आई है चाहे वो ओपन मिक्स हो गए डिफरेंट कॉन्टेस्ट हो गए राइटिंग कॉन्टेस्ट हो गए उसके बाद हमने बहुत सारे लाइव सेशंस किए बहुत अच्छे अच्छे लेखकों के साथ उसमें से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयूष सर और पीयूष सर जिनकी किताबें भी आई हैं और इसके पहले कि मैं सर से अनुरोध करूं कि वो अपने बारे में बताना शुरू करें मैं एक बार जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे पास उनके साथ मैं सर का सबसे पहले तो तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगी और बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना इतना कीमती वक्त TOC के परिवार को देने के लिए तो सर आपसे जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि वो एक होता ना कि राइटिंग फील्ड में मुझे कुछ करना है या ऐसा कुछ भी कि हाँ इसी फील्ड में मुझे कुछ करना है ऐसा करके? धन्यवाद। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी सर बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप जो काम कर रही हैं उसके लिए साधुवाद, ऐसे काम करते रहे। और मुझे खुशी इस बात की है कि यूथ हिंदुस्तान का इतना अच्छा काम कर रहा है कि हम जैसे 55 साल के आदमियों को प्रमोट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने क्वेश्चन किया कि आपकी जिज्ञासा कब उत्पन्न हुई किताब लिखने की? जी सर, पहले सबसे पहले मैं बता दूं, आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 55 साल का एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। बाय प्रोफेशनल आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बट बाय पैशन आई एम मिरर इमेज राइटर, समथिंग डिफरेंट। पूरे दुनिया में लोग कविता शॉर्ट स्टोरीज स्टोरीज और फिक्शन नॉन फिक्शन लिखते हैं लेकिन मैंने दर्पण छवि को चुना। द
दर्पण छवि समझे तो वो पुस्तकें जो आप शीशे में देख के पढ़ेंगे। और 16 किताबें अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं, 17वीं किताब मैं अभी लिख रहा हूं। 7 पुस्तकें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं और मेरी एक पुस्तक है सोचना तो पड़ेगा ही, वो मेरा टारगेट है कि हिंदुस्तान के जो नोट है ना, मैं थोड़ा क्रिएटिव आदमी हूँ, थोड़ा सोचता हूँ, नोट के ऊपर जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में इसको मैं ट्रांसलेट कराऊँ, और 6 भाषाओं में वो ट्रांसलेट हो चुकी है। आपने क्वेश्चन किया आपकी आपकी लिखने की जिज्ञासा कैसे हुई, क्योंकि सबसे पहली बार ऐसा कब महसूस हुआ? हाँ, मैं एक्चुअली मैं पैशनेट पर्सन भी हूँ, मैथमेटिक्स में बहुत सारा काम किया है। तो मेरी जो पहली पुस्तक थी गणित एक अध्ययन, जो 2010 में पब्लिश हुई, मैंने वो किताब 1987 में मैंने कुछ काम किया था, उसको मैंने पीडीएफ बनवा करके रख लिया था, लेकिन मुझे पब्लिशर नहीं मिलने थे। और जब पब्लिशर मिला तो मेरी 2000 मई में वो किताब मेरी पब्लिश हुई, क्योंकि मेरी सोच ये थी जो मैंने काम किया है वो दुनिया के सामने जाना चाहिए, मेरी सोच ये थी। राइटर तो मैं बालों बना, लेकिन सोच ये थी जो मैंने मैथ का काम किया है वो ऐसा ना हो कि अलमारी में रखा जाए और दंग लग जाए और वो दीमक लग जाए और बेकार हो जाए, ये सोच करके मेरी किताब आई गणित एक अध्ययन। और फिर जब वो गणित एक अध्ययन किताब आई तो फिर जिज्ञासा ऐसी उत्पन्न हुई कि अब तक 7 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और 11 अन्य भाषाओं में और आने वाली है, क्योंकि नोट के ऊपर मेरे ख्याल से 15 से 17 भाषाएं हैं, तो मेरा टारगेट है कि 6 आ चुकी है, 17 हैं, तो 11 रह गई है। 2022 और 2023 तक मेरा टारगेट है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि हिंदुस्तान पूरा बहुत बड़ा है, इट्स बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान जैसे देश में हम पैदा हुए हैं, जहां पर गंगा जमुनी और सभ्यता है, सौभाग्यशाली है, संस्कृत हिंदुस्तान की देन है, पूरी दुनिया में संस्कृत को संस्कृत के शब्दों से ही उत्पत्ति हुई है, बहुत सारी कई भाषा होंगी, तो इस लिए मेरी सोच है और यही कारण है कि मैं जो काम किया है वो लोगों तक जाए, ये सोचकर ही मेरी पहली पुस्तक आई थी। बहुत खूब सर, और इनफैक्ट मतलब बहुत सराहनीय है ये सोच। और आपने जो बात कही कि नोट पे जितनी भाषाएं हैं कम से कम मैं उसको उन उन भाषाओं में अपनी किताब ला सकूं, और वो भी आपने टारगेट 2023 तक का ही रखा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 11 पुस्तक तक और आपको अभी पहुंचना है, तो पूरे TOC के परिवार की तरह से मैं सबसे पहले तो आपके 7 पुस्तकों के लिए आपको बधाई देती हूँ, और जो आने वाले 11 हैं। ये पुस्तकें हैं, ये हिंदी में है, ये गुजराती में है, और ये उड़ीसा भाषा में और इंग्लिश में है। 2 भाषाएं अभी और आ चुकी हैं जो आ रही हैं, प्रिंट होकर आने वाली हैं, तो टोटल 6 हो जाएंगी, बचेंगी 11, तो उन पे भी काम चल रहा है, उन पे काम ऐसा चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मेरा टारगेट ये है कि 2022 में मैं आधी कम से कम आधी से ज्यादा कुछ 3/3 उसको पूरा कर लूं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आई एम अ कमिटेड पर्सन, डेडिकेशन इज डायलॉग है ना, कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने किसकी नहीं सुनता वो बात, डॉट 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 डॉट, तो वही मेरा है कि मैं कमिटमेंट करता हूँ तो पूरा करने की कोशिश करता हूँ। यस, एंड डेडिकेशन किसी भी काम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और डेडिकेशन नहीं है तो फिर वो काम तो अधूरा सा हो जाता है, और कहते हैं ना कि वादे जब खुद से हो। अभी जो 16 किताबें लिखी हैं वो डेडिकेशन से लिखी हुई है, और जो मैं किताब लिख रहा हूँ ना, ये 17वीं किताब है, देखिए आप, और ये मिरर इमेज में है, और किससे लिख रहा हूँ, फ्लूड पेन से लिख रहा हूँ। वाओ, बहुत खूब। अभी जो किताबें हैं मैं दिखाऊंगा आपको। बहुत खूब सर, और इनफैक्ट सच बताऊं तो वो कहते हैं ना कि जब आप इतनी कम उम्र में, मैं अपने आप को रखते हुए यहाँ कह रही हूँ, ऐसे लोगों से जब मिलते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी सोच रखते हैं, और इनफैक्ट सिर्फ सोचते नहीं हैं, वो कर भी रहे होते हैं, तो दिल से वो कहते हैं ना कि खुशी होती है कि नहीं, साहित्य को इतना समझा जा रहा है और उसको इतनी सीरियसली लिया जा रहा है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है वाकई। मैं आपको एक बात, मैंने बोला मैं हिंदी में करूँगा, क्यों बोला, इसके पीछे भी रीजन है, बीइंग एन इंडियन, यस सर, हिंदुस्तानी होने के नाते क्या हिंदी क्या भाषा नहीं है?
बिल्कुल सर, और मुझे बड़ा दर्द है कि नोबेल प्राइज जो है ना हिंदी की किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद मिलता है। ये कैसे? बड़ा, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में सबसे पहले जो लिटरेचर का अवार्ड आया था 1913 में आया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब गीतांजलि को मिला था, जी जी सर, जब वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी। यस सर, तो आप, मुझे बड़ा महसूस, मुझे बड़ा वो होता है कि हिंदी की किताबों को इतनी तवज्जो नहीं जाती जितनी हिंदी इंग्लिश की किताबों को दी जाती है, और बड़े बड़े पुरस्कार भी हिंदी का, ये क्या है, हिंदी का इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या है, हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े कलाकार, इतने बड़े बड़े लेखक हुए हैं, क्या उनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्या इंग्लिश भाषा में ही पुरस्कार मिलेंगे इंटरनेशनल? यस सर, बिल्कुल सही सवाल क्या हमारी लेखनी किया है में, क्या आपने। हिंदी की लेखनी में इतना दम नहीं है कि हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हमारी लेखनी में दम है? हमारी सोच बहुत बड़ी है। चलो, ये तो बहुत विषय वैसा दूसरा है, हम दूसरे विषय की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपने एंटी की तरफ। यस सर, बिल्कुल सर। सर, आपसे दूसरा सवाल ये है कि जो कोई भी इंसान अगर लिखता है या पढ़ता है तो उनकी प्रेरणा के स्रोत होते हैं कोई ना कोई, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में, आपके लेखनी के शैली में या पढ़ने में कौन है वो जिनको आप बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैंने कहा ना कि जिद एक, मैं अपनी अपने अपनी मैंने एक चीज लिखी है, जिद मेरी सफलता, एक वाक्य लिखा मैंने, और मैं जिद कर लेता हूँ। मेरी मेरी सोच ये है, जिद करता हूँ और किसी काम को करने से पहले उस काम से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत नहीं करूंगा, जिद नहीं करूंगा तो सफल नहीं होगा। और मैंने कहा ना कि डेडिकेटेड और कमिटमेंट, अपने आप से कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने आप से कमिटमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप से क्यों, कहां, कैसे, क्या, इस तरह के क्वेश्चन नहीं करेंगे, और जवाब भी आप नहीं देना है, बाहर से कोई आदमी जवाब देने नहीं आएगा। और एक चीज वो बता दूं, आपके पास अगर सच्चा दोस्त है ना कोई, ये फैक्ट है, मेरा अनुभव है, उस दोस्त के साथ जो आप काम करने जा रहे हैं ना, जब आप आधा काम कर लें, उस दोस्त को बताएं कि पूरन भाई ये काम मैंने आधा कर लिया है, उसको बता दें। वो इसलिए क्योंकि वो जो दोस्त है ना, जो सच्चा दोस्त है, वो आपको बार बार, पीयूष यार तूने एक बार बोला था मेरे को यार वो काम कर लिया, वो काम पूरा हुआ क्या नहीं हुआ, वो काम पूरा हुआ क्या नहीं हुआ, अगर वो सच्चा दोस्त है। तो मैं जब किताब लिखता हूँ तो जब मेरी आधी हो जाती है ना, मैं दोस्त को बता देता हूँ कि पूरन भाई मेरी ये किताब है और आधी हो गई है, ये पूरी होने वाली है। तो वो बीच बीच में मुझे को बोलता रहता है, अरे पीयूष काम वो तेनों पूरी हुई है। तो वो क्या है कि एक एक आपका स्विच ऑन ऑफ करने वाला स्विच आपने एक ना पैदा कर लिया, जेंटल रिमाइंडर। आप कमिटेड, आप और उससे आप कहते, उससे उसने आपको, उसको पता है कि पीयूष जो कमिटेड आदमी है। तो ये स्विच ऑन ऑफ करने का ना मित्र के हाथ में होता है, और वो मित्र जो है ना आपको ऑन ऑफ ऑन करके रखता है। तो अब आपने कहा प्रेरणा, प्रेमचंद मेरे जिसको मैं पसंद करता हूँ, अब क्योंकि प्रेमचंद पी से स्टार्ट है और मेरा नाम पीयूष से पी से स्टार्ट है, ये पता नहीं कहाँ की वेवलेंथ, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे प्रेमचंद बहुत पसंद है। बहुत खूब सर। हाँ, और मेरी जो रही है ना प्रेरणा, क्या रही है, मुझे दोस्त अच्छे मिले, मैंने जो किताबें पूरी करी, मैं बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया जी। वो एक पक्षी है और मैं एक इंसान हूँ, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एक मैथिलीशरण गुप्त की एक कविता है, नर होने निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो जग में रह के कुछ ना, कुछ काम करो जग में रह के कुछ, ये प्रेरणा रही। और जब मैं इंटर में आया था 1984 में, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये तीन चीजें जो है ना, इन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और इसी इन तीन चीज ने, जो कौवे ने कंकड़ डाल के पानी पी जाता ना, वो तो हमेशा मुझे, जो मैंने अपनी उसमें लिख रखा है, अपने यहाँ बिठा रखा है, कि अगर काम अधूरा है तो कंकड़ डाल लो और पानी पी लो, बस। बिल्कुल, यही प्रेरणा मेरी प्रेरणा यहीं से हुई है, और यहीं से मैं जो है ना, जितनी किताबें भी लिखी गई हैं, जो कुछ हुआ है सब वहीं से हुआ है। क्योंकि आदमी को अगर कुछ करना है, सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। जब तक आदमी सेल्फ मोटिवेट नहीं होगा, जब तक वो कुछ करेगा नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और इनफैक्ट मैं इस
बात से एकदम सहमत हूँ कि मोटिवेशन ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान से ही मिले. कई बार हमारे जीवन में हो रहे बहुत सारे इंसिडेंट्स और बहुत सारे वाकया हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं. तो सर हम मैं तो जानती हूँ, बट यहाँ मौजूद में हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएंगे कि आपको मिरर इमेज मैन कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है सर? आपको टाइटल क्यों दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं कहा कि मैं अपने आप से अपनी बढ़ाई नहीं करता हूँ। न्यूज़पेपर की अगर कटिंग मेरे पास है, वो वाली कीमत लिखी है, अगर वो मेरे पास है पढ़ लीजिए आप। ये यस मैंने सर, नहीं कहा है, ये मैंने नहीं कहा है, ये मीडिया ने कहा है, यस सर, और मीडिया ने भी कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। यस सर, वाओ, ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल, और ऐसी ऐसी कटिंग बहुत सारी रखी गई। अद्भुत अद्भुत सर, बहुत हाँ, अच्छा. ये बहुत सारी कटिंग है, और मैं बता दूं आपको अभी बहुत सारी चीजें हैं। मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, बाद में ऑफ इंडिया लग गया, पहले मिरर इमेज मैन था, बाद में ऑफ इंडिया लगा दिया लोगों ने, लगा दिया जो पत्रकार थे उन्होंने लगा दिया, जो प्रेस रिलीज उन्होंने लगा दिया, जो पता नहीं कितने ये अति कितने किसी ने कुछ जोड़ लिया और ये फेमस हो गया, क्योंकि मैंने 16 किताबें अलग अलग तरीके से लिखी है। और जब दुनिया में पता लगता है, अभी मैं एक एग्जीबिशन लगा के आया हूँ मथुरा वृंदावन में, मुझे रात को नींद नहीं आई, मैंने इतने लोगों को ऑटोग्राफ साइन किया, और किस लिए किए? ये भागवत गीता है, ये मिरर इमेज में भागवत गीता लिखी गई है, नाइस, बहुत खूब. मिरर इमेज में 18,700 श्लोक हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और एक एक किताब को लिखने में एक एक साल लगाया। इस भागवत गीता ने मुझे पहचान दे दी, और इस पुस्तक ने ना, इस पुस्तक ने कमाल कर दिया। यह सुनी से लिखी किताब है, देख लीजिए। आप गूगल करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, गूगल करिए कि दुनिया की पहली किताब सुनी से किसने लिखी है, तो आपको बड़ा गर्व होगा कि हिंदुस्तानी का नाम आएगा। किसी ने पूरी दुनिया में लोग देखते हैं इसको, और ऐसे देखते हैं जैसे कोई आश्चर्य हो गया, आठवां या नौवां आश्चर्य जो भी है, क्योंकि जहां पर मैं देखता हूँ ना, जहां भी एग्जीबिशन लगाता हूँ, वहां पे पूरी भीड़ टूट के पड़ती है इस किताब को देखने के लिए। इस पुस्तक ने तो मुझे मंच दिया, और इस पुस्तक ने मुझे सेलिब्रिटी बना दिया। ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है। और ऐसा नहीं है कि किताबें जो लिखी गई हैं, अब आप देखिए कि ये जो है, ये मेहंदी कौन से लिखी किताब है? कोई सोच सकता है मेहंदी कौन से किताब लिखी जा सकती है? आपने भी नहीं सोचा होगा? नो सर, डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल नहीं. यस यस, ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, और ये दुर्गा कवच है। और ये पुस्तक जो है, मैंने हर ऑप्शन मैंने अप्लाई किया है, ये पुस्तक कार्बन पेपर से लिखी गई है। ये देखिए, एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा, इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे कहानी ये है कि जब भागवत गीता मैंने उल्टी लिखी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरा जो मेरी ज्वाइन होगी सोनीपत, सोनीपत पे साईं मंदिर में था, वहां पे जो ट्रस्टी थे उन्होंने कहा कि उन्होंने अखबार में निकाल दिया कि भागवत गीता को दर्पण छवि में लिखा गया है, वो पब्लिश होगी। दैनिक जागरण में इंटरव्यू आया, इंटरव्यू आने के बाद मुझे, आपने सुना होगा, आप उड़ीसा से हैं, आपने सुना होगा कि करनाल एक जगह है हरियाणा में, वहां पे महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो वहां एक म्यूजियम बना हुआ कृष्ण म्यूजियम, तो वहां पर मुझे बुलाया गया। हाँ,
वहां पे मुझे बुलाया गया, और वहां जब मुझे बुलाया गया तो लोगों ने पूछा कि जी आपने बाहुबली का उल्टी लिखी है 18,700 श्लोक, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन? मैंने उनसे कहा कि वाल्मीकि को मरा मरा बोलने से राम राम निकला और संस्कृत में उन्होंने रामायण लिख दी, तो मेरी पूरी दुनिया को संदेश है अगर भागवत गीता उल्टी नहीं सीधी नहीं पढ़े जाए तो उल्टी पढ़ लो, पढ़ लो एक बार, मेरे जीवन में बदलाव आया तो आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो इस वजह से मैंने भागवत गीता को उल्टा लिखा, पूरी दुनिया को संदेश दिया, लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि इसको पढ़ेगा कौन। तो फिर मैंने 5 साल के बाद सुई से पुस्तक लिखी, और सुई से पुस्तक लिखने का मतलब यही था कि ये आप देखें सीधी, इसको शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। और आपको बता दूं मेरी 3 पुस्तकें हैं, मेरी 3 पुस्तकें म्यूजियम में रखी गई हैं मथुरा वृंदावन में। बहुत तो ये है, किसी ने क्या लिखा है वो सच भी इसे अब तक अपना नहीं समझता, गैर कहते हैं मुझे पागल आजकल, और कोई अपना भी मुझे अब अपना नहीं समझता। भाई अपना समझने लगेगा, अपने आप को बना हो ऐसा कि लोग आपको अपना समझने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब से आपको मैं लाइक कर दिया। मैं भी कर देती हूँ सर। मैंने भी कर दिया सर। वाकई आपके जो ये है कलेक्शन है सर, और वो कहते हैं ना एकदम अतुल्य है, एक से बढ़ के एक, एक से अलग एक, और मतलब सोच के भी वो कहते हैं ना कि जो सोच में नहीं आ पा रहा है। अभी कुछ देर के लिए तो मैं वाकई निःशब्द हूँ इस बात के लिए कि सुई से किताब लिख पाना, मेहंदी के कोन से किताब लिख पाना, कार्बन तो समझ पा रही हूँ मैं फिर भी। तो सर ये वाकई काबिल तारीफ है। मैंने आयरन नील से हैमलिंग करके पुस्तक लिखी है, और मेरी जो 17वीं किताब 16वीं किताब है ना गमंड गुरु से लिखी है मैंने। कोई इमेजिन करेगा गमंड गुरु से किताब लिख सकता है? मैंने गमंड गुरु से किताब लिखी है। वाओ, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम इम्पोसिबल नहीं है, पॉसिबल अगर आपने ठान लिया है तो, क्योंकि इम्पोसिबल कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल, कलाम साहब ने कहा है कि इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल आता है, तो वाकई बात सच है। और सर एक बार मैं ये जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो सबसे पहली किताब, इनमें से सबसे पहली किताब कौन सी और वो कब प्रकाशित हुई? जो वो दो तरह की है, एक तो पांडुलिपि है और एक है पब्लिश्ड। तो जो पब्लिश हुई है वो पहली पुस्तक है 2010 में हुई, और जो पांडुलिपि है सबसे पहली पुस्तक मैंने भागवत गीता जो लिखी थी वो 2003 में लिखी थी। ये एक ये भागवत गीता है ना, ये भागवत गीता ये दुनिया का दुनिया की पहली पुस्तक है, इसको हर एक किसी को माथे से लगाना चाहिए। ये वो ग्रंथ है जिसने लोगों की दुनिया बदली है, मेरी भी दुनिया बदली है। इस ये दुनिया का और सबसे दुनिया की हर भाषा में ट्रांसलेट हुई है, सबसे ज्यादा भाषाओं में अगर ट्रांसलेट हुई है तो रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता 18,700 श्लोक, और मैं भगवान कृष्ण को दुनिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूं। 18,700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले, और वो संवाद करना जानते थे। अब उस संवाद से ही उन्होंने अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय को, बिल्कुल धर्म के खिलाफ धर्म की विजय हुई। 574 वो पूरी दुनिया के साथी हैं, वो भगवान अर्जुन के साथी नहीं है, वो पूरे विश्व के साथी हैं। और जिसके साथ भगवान सारथी हो और जिसकी पताका हनुमान की हो उसे कोई हराएगा क्या? बिल्कुल नहीं। मैं क्वेश्चन करता हूँ इस लाइव सेशन के माध्यम से कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? सर वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, आप अपना लक्ष्य बड़ा रखें। अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दी थी, वो कर्ण के भी सारथी बन सकते थे, वो एकलव्य के भी सारथी बन सकते, लेकिन अर्जुन के सारथी इसलिए बने थे क्योंकि उनका लक्ष्य कठिन था। भगवान कृष्ण ने कहा तू 2 कदम चल, मैं 4 कदम चलने को तैयार हूँ, लेकिन तू चल तो सही,
यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही है कि और प्रेरणा के स्रोत है और इन प्रेरणा से ही किताबें लिखी गई हैं, और ये कलेक्शन मेरा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। यस सर, ये कलेक्शन मेरा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। और इस लाइव सेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि लोग, अब मैं बता दूं आपको, मुझे कहते हुए कोई हिचक नहीं हो रही है कि अमेरिकन लोग जो है ना, वो आपके काम को पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने इतने सारे काम किए हैं, उसमें अड़चन जरूर लगा था, उसमें क्वेश्चन से क्वेश्चन क्वेश्चन से क्वेश्चन क्वेश्चन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। मैं पूरी दुनिया को दिखाता चाहता हूँ कि सुई से भी किताब लिखी जा सकती है, एक हिंदुस्तानी ये काम कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी दुनिया में दिखा दो। 2012 में मैंने क्लेम किया था, अभी पूरी दुनिया में किसी आदमी ने कोई जवाब नहीं आया कि सुई से गोरी चमड़ी एक्सेप्ट नहीं करती। जी सर, वो करेंगे, वो बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। मैं पूरे हिंदुस्तान का नाम इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये कलेक्शन आपका पूरे हिंदुस्तान का कलेक्शन है, और ये कलेक्शन में है इस मंच के माध्यम से, इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं भारत सरकार को बोलना चाहता हूँ कि इस कलेक्शन को, इस संग्रह को म्यूजियम में रखवाएं, क्योंकि 55 साल का एक व्यक्ति आपसे कह रहा है, क्योंकि सबका समय आता। हम भी अनमोल नहीं है, कोई अमर नहीं है, हमें भी एक दिन जाना है। तो मेरी अनुरोध है, भगवान से भी अनुरोध है और सरकार से भी अनुरोध है कि ये कलेक्शन हिंदुस्तान का है और ये दर्शनार्थ म्यूजियम में रखा जाए। इसके लिए मैं बिल्कुल आगे आने के लिए, आप, मैंने कहा ना कि भगवान कृष्ण ने दो कदम बढ़ा, मैं चार कदम, मैं सरकार से कह रहा हूँ कि तू दो कदम बढ़ा, मैं चार कदम तेरे तरफ आने को तैयार हूँ। तुम आप उसको लो, म्यूजियम में संरक्षित करो, दुनिया में दिखाओ कि हाँ एक हिंदुस्तानी ने काम किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक रोज ये पक्का होगा। और जैसा कि आपने बताया कि वृंदावन आपने कहा ना, वृंदावन हाँ, वृंदावन में म्यूजियम है, मैं जी, बता जी। इस्कॉन मंदिर और बांके बिहारी के बीच में एक वृंदावन स्थान है, वहाँ जाइए आप। हाँ, देखिए वहाँ रखी हुई है, वहाँ पे चाणक्य नीति रखी हुई है। वहां पर मैं अभी दो किताब और देख आया हूँ, जो मैंने एल्बुलियन सीट पे हैमलिंग करके लिखी है, और एक किताब रामचरितमानस जो मैं उसको देख आया हूँ, वो बड़े अति शीघ्र रखी जानी है। वाह सर, बहुत हो, बहुत बहुत बधाई। सर आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड भी है, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी रह चुके हैं, तो लिम्का दो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है मेरे पास, और वर्ल्ड रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने मेरे को इसको जो सुनिश्चित लिखी जो किताब है ना, इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब एक्चुअली 2012 से पहले की बातें हैं, 2010 से पहले की बातें हैं। आजकल मैं किसी रोड के लिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी है, और भागवत गीता लिख दी, इससे बड़ा क्या रिकॉर्ड हो सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में जो ये प्रेरणा आती है ना, चाहे वो एक अच्छा इंसान होने का हो, एक अच्छे लेखक होने का हो, अच्छा बोलने वाला होने का हो, तो वो स्रोत तो वही है सर, और वहीं से आ रहा है, वो जो बातें कह दी गई है ना, उसी पे जिंदगी चल रही है। ऊपर से आ रहा सर, वेवलेंथ ऊपर से आ रहा है। यस सर, मैं बता दूं आपको, हर आदमी हर इंसान कुछ करने के लिए आया। अब मैं कहने लगूं, अब मैं आपसे कहूं कि यार मैं सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बन गया, मैं अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बन गया, मैं अब्दुल कलाम की जगह क्यों नहीं ले ली, मैं लता मंगेशकर क्यों नहीं बन गया। भाई उनको भगवान ने वो काम सोचा सौंपा है, तुमको कुछ और काम सौंपा है। मेरे बट में जो है ना 17 किताबें उल्टी लिखने के लिए आया, तो भगवान ने मुझे कहा कि तुझे उल्टी किताब लिखनी है, ये काम तेरा है। क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, सचिन तेंदुलकर पीयूष गोयल नहीं बन सकता, ये अपने दिमाग से निकाल देना। हाँ, उनके काम से प्रेरित होकर के कुछ नया कर सकते हो, ये सोच रखना। बिल्कुल सही सर, जैसे एक कलाकार के जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, वो तो सबके जीवन में होते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें होती हैं, अच्छी बुरी बातें, बहुत सारे कहते हैं ना कि वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, और बहुत अलग अलग लेवल पे होते हैं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे। जब एक कलाकार या फिर एक लेखक बहुत सी किताबें लिखता है, तो उसमें से भी सर क्या होता है ना कि कुछ चुनिंदा किताबें ऐसी होती हैं जो उसके दिल के, उसके दिमाग के बहुत करीब होती हैं। तो जैसे कि आपके, मुझे, मैं तो समझ गई अभी तक की बातचीत से,
बट स्टिल मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि आपके इतनी किताबों में से सबसे करीब किताब आपकी कौन सी है। सबसे करीब किताब मेरी जो है भागवत गीता है। मुझे पता था सर। उसको मैं अपने सिरियाने रख के सोता हूँ। वो मेरे कलेक्शन के साथ हमेशा सबसे ऊपर रहती है। और अगर मैं अपनी किताब की बात करूं तो सोचना तो पड़ेगा ही, मेरी दिल के करीब है क्योंकि इसके अंदर 110 सोर्स हैं, अमेजन पे अवेलेबल है और 6 भाषाओं में आ चुकी है, सारी की सारी अमेजन पे है। उसके कुछ सोर्स मैं आपको आपके आने वाले समय में अभी लाइव सेशन के एंड में मैं कुछ सोर्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे बड़े दिल के करीब हैं, जो मैंने लिखे हैं। और मेरी सोच ये है कि वो पुस्तक हर कोई पढ़े क्योंकि अगर उसके थॉट से किसी की लाइफ में बदलाव आ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी लेखनी में दम है। तो दो ही पुस्तक हैं, श्रीमद् भागवत गीता और सोचना तो पड़ेगा ही। वाह सर, बहुत खूब। और मैं बेशक पढ़ना चाहूँगी। और इनफैक्ट टीम टीओसी, जो पूरी परिवार है टीओसी की, हम सब आपको शुरू से बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली रिया आपके बारे में बहुत बात करती हैं। और हम लोग सब लोग सर आपके बारे में बातचीत करते आए हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ सीखने मिलता है, और सीखने भी से भी ज़्यादा ना कि ये कैसे होता है, कैसे कर जाते हैं लोग ऐसा, ये सोचने के लिए मिलता है। सर मेरा आपसे ये एक सवाल है कि अभी तक आपने जितनी किताबें लिखी हैं, 7 किताबें जो आपने टोटल लिखी हैं अलग अलग एक्सपीरियंस करते हुए, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इन 7 किताबों को लिखने में अब तक आपको कितना वक्त लगा है? 16 किताबें लिखने में 2003 से लेकर 2015 तक 16 किताबें, एक किताब एक साल में। और जो 7 पब्लिश हुई है ये मैं 2010 से लिख रहा हूँ, 2022 है, तो 12 साल। बीच में काम रुक गया था क्योंकि मैं प्रोफेशन में भी हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 25 साल का अनुभव, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का अनुभव है भाई। 2 बेटे 1 बिटिया है, जिम्मेदारी बहुत सारी है। और आई एम द लकीस्ट पर्सन कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ। मेरे फादर मेडिकल ऑफिसर रिटायर्ड है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उनका आशीर्वाद मुझे सुबह मिल जाता है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं 1 बिटिया है। बड़ा बेटा मेरा आईटी कंपनी में मैनेजर है, दूसरा बेटा मेरा बिजनेस में है। और मेरी बिटिया अभी 12 तारीख को स्पेन जाने वाली है। उसने फ्रेंच किया है, उसने फ्रेंच लैंग्वेज किया है, उसने बीए ऑनर्स में फ्रेंच किया है। उसको बहुत अच्छी कंपनी, फ्रेंच कंपनी में वो अपनी सर्विस जॉब में है। तो मेरे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आशीर्वाद माँ बाप का है। हम लोग 3-4 बहन भाई हैं, चारों बहन भाई वेल सेटल्ड हैं आशीर्वाद से। और मेरी बहन तो बहुत ही बड़ी, मेरे मतलब बहुत अच्छे घर में है, बड़े बिजनेसमैन के घर में है, होटल्स हैं उनके अपने। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ऊपर वाले का, और ये सब आशीर्वाद ये है ना, ये जो है ये इसी से मिला है। यस सर, बिल्कुल। क्योंकि पूजा में जो स्वागत है ना, पूजा में जो शक्ति है ना भाई, देखो ऐसा ना, अगर रेल की पटरी पे से पहिया नहीं उतर गया, उसको सेटल करने में बड़ा समय लग जाता है। तो पहिये को पटरी से उतरने मत दो, उसी को उसको उस पटरी को चलने दो, उस पहिये को उस पटरी पे चलने दो। और अच्छे हो, सच्चे हो, और समाज के लिए काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, तो ऊपर वाला भी बड़ा दयालु है, वो भी हाथ आपका आशीर्वाद देता रहेगा आपको। तो ये पुस्तकें हैं जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ लिखने का। यस सर। और सर मेरा एक सवाल था आपसे, कह सकते हैं कि इतना सुनने के बाद आपको, वैसे मैं तो समझ गई हूँ, बट स्टिल वो कहते हैं ना कि सवाल है जो कभी ख़त्म नहीं होते, स्पेशली जब आपके सामने इतना अनुभवी व्यक्ति और इतना अनुभवी लेखक साथ साथ कलाकार बैठा हो, तो कि वो जो एक होता है ना कि अलग अलग, मतलब फ्रीक्वेंटली एक तो किताब लिखना और वो भी अलग अलग तरीके से लिखना, तो वो कैसे जहन में आता है आपके कि अब मुझे कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए या कुछ ऐसे लिखना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, लाजवाब।
आप पहले पहले होस्ट हो जिसने बहुत अच्छी तरीके से, आप इंटरव्यू भी दे रही हो वार्तालाप भी कर रही है। इंटरव्यू लेना और वार्तालाप बहुत करने में अलग डिफरेंस। आप बहुत मैं आपका नाम शुक्रिया जान सकता हूँ? जी सर। मेरा नाम शालिनी और मैं मेरी हाँ, पत्रकारिता की छात्रा हूँ, अभी अरे बैचलर्स वाह, ऑफ मास आर्ट्स कर कम्युनिकेशन रही में हूँ। गया। मेरी एक बिटिया है, मास कम्युनिकेशन कर रही है। हाँ ओ बहुत खूब सर। मैं अभी बैचलर्स कर रही हूँ और हाँ वो भी बैचलर्स मैं से कर मास लिया है, उसने कम्युनिकेशन। सिविल की तैयारी कर रही है आजकल। वो तो लगी हुई ओके है, सर। मेरे छोटे भाई की बेटी है। और सही बता दूं, आप जैसी ही है वो भी बिल्कुल सेम बहुत जेंडर बहुत की है। शुक्रिया सर। बेशक मैं मुझे चाहूंगी मुझे किसी रोज बिटिया उनसे बात करूं। हाँ मे, मेरी बिटिया बहुत मेरे 3 बिटियां हैं। और अभी आप बता दो, मैं अभी एक ग्रांड डॉटर हुई है मेरे यहाँ अभी। तो बिटिया बिटिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और बिटियों को मैं सम्मान करता हूँ, प्यार बहुत करता हूँ। मेरी बिटिया, मेरे मैंने अपनी बहू से बोल लिया, मैंने थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो हमारे पास रात को हम अभी अपने पास बुलाएंगे इसको। तो वही डायमंड आया हमारे यहाँ, इतनी प्यारी सी बिटिया है। आपने क्वेश्चन क्या किया है? मैं भूल गया क्वेश्चन। सर ये सवाल कि नए नए ख्याल कहाँ से आते हैं, अलग अलग तरह। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने दिया। ये ख्याल, मैंने कहा ना, एक वेवलेंथ होती है। जो भावगीता लिखी गई ना, मैं 2003 में जॉब चला गया था मेरा, 2003 में मेरा जॉब चला गया था, और आई वॉज डिप्रेस्ड। सन 2000 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, सीरियस एक्सीडेंट। 2003 में मैं डिप्रेस हो गया, तो मेरे एक मित्र ने भावगीता दी पढ़ने के लिए। वो भावगीता पढ़ना हुआ और मैंने लिखना हुआ, और लिखने के बाद लोग पूछते गए, मैं उनको जवाब देता चला गया। और ये चीज मैंने सचिन तेंदुलकर से सीखी है। उन्होंने कभी भी जो वाह है ना, अपने बात से नहीं, उन्होंने बल्ले से जवाब दिया। मैंने वहां से सीखने की कोशिश करी है कि भाई बात से नहीं, बात बात करोगे तो कंट्रोवर्सी होगी, बात नहीं करनी है, अपने काम से रखो। भागवत गीता लिखी, पेन से सुई से किताब लिख दी। फिर मुझे शादी में गया तो मेहंदी कौन मिल गया, वहां से इंस्ट्रूमेंट मिल गया मेरे को। मैंने फिर मेहंदी कौन से किताब लिख दी, फिर कार्बन पेपर देखा, कार्बन पेपर से किताब लिख दी। तो इस तरह से मैं सोच करता गया, सोचता गया और काम करता गया। वाकई में बहुत कठिन है लिखना, पब्लिश करवाना किताब को और हाथ से लिखना, वेरी डिफरेंट विद ईच अदर। हाँ सर बिल्कुल। और आप ये सोच लें कि यार, ये किताब आपको कहे कि भागवत गीता, अब आप मेरे से कहो कि ये पीयूष जी, एक किताब है 500 पेज की, उसे लिख दो, शायद अब संभव ना हो पाए। यस सर। क्योंकि एक किताब को लिखने के लिए समय भी चाहिए, परिवार का सहयोग भी चाहिए, और हाथ से किताब लिखना आसान नहीं है। लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से अलग अलग तरीके से किताबें लिखी गई और काम पूरा हो गया, और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं इन किताब के बहाने से। यस सर। और वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है इनफैक्ट बात करके। जब रिया ने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है और तुम इंटरव्यू या लाइव सेशन करना चाहोगे, मैंने बोला बेशक करूँगी क्यों नहीं। तो तब मैंने कहा था, तो तब शायद दरअसल सच बताऊँ तो मैं सच कहने की आदी हूँ अगर मैं अपने बारे में कहूँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करना भी चाहिए। तो सच कहूँ तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बातें खुलकर सामने आएंगी। और एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कुछ चंद वाक्यों में चीज़ें समझ आ जाएंगी, बातचीत होगी हल्की बहुत। बट वो कहते हैं ना कि इंटरेस्टिंग होगी बातें, तो धीरे धीरे बात करते करते समझ आया। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप, सवाल तो नहीं कह सकते बस एक राय लेना चाहूँगी, कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्वेश्चन आखिरी नहीं होना चाहिए। पहली बात, क्वेश्चन तो इतने हैं कि उसका जवाब मैं एक्चुअली में क्या, आज मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं स्कूल में जाता हूँ, और वहां जब मैं सारी बातें कर लेता हूँ तो मैं ओपन करता हूँ कि किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो मेरे से बात करें। वो क्योंकि जब क्वेश्चंस तो हम तक लोग संवाद लेंगे, है जी, वो क्योंकि क्वेश्चंस तो संवाद हम लोग होना, लेंगे ही सर। हाँ संवाद होना बहुत जरूरी है। मैं इस पे मैं जब तक आप संवाद नहीं करेंगे ना, जब तक बात बनेगी। आप अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो वहां संवाद ही तो करेंगे, क्या वहां हिंदी में करने चाहेंगे? इसमें करें, भगवान कृष्ण बात ने होनी पांच सौ जरूरी है, चौहत्तर श्लोक है जी,
बात होनी जरूरी है सर। हाँ, श्लोक 574 श्लोक के माध्यम से ही तो उन्होंने अर्जुन को समझाया था, तो ये बड़ी चीजें हैं। यस सर, कोई डिस्टर्बेंस है मेरे ख्याल से? नहीं सर, वो एक्चुअली इंटरनेट इशू था तो मैं वाईफाई सेट कर रही थी एक बार की। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कर लो आप, कर लो। हाँ सर, हो गया सर, इट्स डन, थैंक यू। अगर मैं यूथ के बारे में बात करूं, दो yes, है तो यूथ जो राइटर हैं, यूथ जो कुछ कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरा यही कहना है, मेरे जितने भी हिंदुस्तान में यूथ हैं, जितने भी युवा हैं, कि भाई आप अपने सपने जो है ना, आप सपने देखते हैं, रात के yes, सपने sir, और दिन के सपने। रात के सपने तो बढ़िया है, वो 4 बजे तक गायब हो जाते हैं, लेकिन जो दिन के सपने हैं वो गायब नहीं होते हैं। दिन में सपने देखने शुरू कर दो, उन सपनों पर काम करना शुरू कर दो, और उन सपनों को दिल से लगा लो, और उन सपनों को आप अपनी डायरी में लिख लो, और अपने कमरे में लिख के रख लो कि मुझे अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। यस सर, जिस दिन आप ये लिख लेंगे कि मुझे अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि सेल्फ मोटिवेट और मोटिवेट, अगर मोटिवेट हो, मोटिवेट कहां से होगे, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से, लेकिन सेल्फ मोटिवेट जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि सचिन तेंदुलकर 100 शतक मार सकता है, मैं क्यों नहीं, अमिताभ बच्चन इतनी बढ़िया एक्टिंग कर सकता है, मैं क्यों नहीं, पीयूष गोयल 17 किताब लिख सकता है, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों वो नहीं, हाँ सालनी लाइव सेशन होस्ट कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। जिस दिन ये क्वेश्चन आप अपने आप से करने शुरू कर देंगे, इट्स मीन्स यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। और जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, वो लड़का मेरी क्लास में 98% लेके आया, वो लेके आ सकता, मैं क्यों नहीं। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको हराने वाली नहीं, उस दिन आप कोई चीज, एक नई चीज समाज में अस्तित्व में ले आएंगे। अस्तित्व में लाने का मतलब वो दिखा देंगे, लिख देंगे, एक्टिंग कर देंगे, गाना गा देंगे, एक शॉर्ट्स क्रिकेट का शॉर्ट मार के सेंचुरी लगा देंगे, लेकिन सोचना अपना होगा, करना अपना होगा। जब भी मैंने अपनी पुस्तक का नाम लिखा, सोचना तो पड़ेगा ही, तो जिस दिन आप सोचने की शक्ति बढ़ा लेंगे, उस दिन कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि लोगों ने पूछा मेरे से, कहा पीयूष जी आपकी किताब को पढ़ेगा कौन, आपने उल्टी लिखी है, एक हाथ में पुस्तक एक हाथ में सीसा, तो मैंने फिर सुई से किताब लिखी, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए सीसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने कार्बन पेपर से लिखी, एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा, लोग पूछते गए, क्वेश्चन करते गए, मैं उनका जवाब देता गया। अभी ये कुछ लोगों का कहना था कि इन पुस्तकों को मैन्युस्क्रिप्ट है, ये पांडुलिपि है, प्रिंट नहीं है, तो कि एक काम करिए, इनको पढ़े कैसे, तो आप साली जी मैं बता दूं, मैं इनको पीडीएफ में कन्वर्ट कराने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक। पीडीएफ में कन्वर्ट कराने का मतलब है कि इट्स वैल्यूएबल, क्योंकि ये किताबें कितनी मोटी मोटी हैं, इतनी मोटी मोटी हैं, हर पुस्तक का आपको स्कैन कराना पड़ेगा, स्कैन के बाद उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ये आसान काम नहीं है। या तो मुझे एक आदमी रखना पड़ेगा, भाई तू इस काम करेगा, फिर उसके बाद उसको फिर एडिट करना पड़ेगा, हर पेज को एडिट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा, होएगा जरूर, मेरी कोशिश है कि मैं इसको करूँ। और युवाओं के लिए मैं 2 चीज और कहना चाहूंगा, भाई अगर आप राइटर हैं तो कागज पेन जो है ना आप अपने पास रखें, फोन के नोट्स में नहीं क्योंकि कोई भी जो आपके अंदर जो आपकी जो आपका जो दिमाग है ना वो चल रहा है ना, अच्छी सोच वाला जो दिमाग है जो चल रहा है, पता नहीं कहाँ पे कोई चीज आपको जो है ना क्लिक कर जाए। बिल्कुल ऐसा होता है, मैं बता ना, भाग नहीं था, कागज पेंसिल मेरे बगल में रखी होती है, सीरा पीलो के बगल में रखी होती है, और मेरे सिर के पास ही रखी होती है, जब भी कुछ होता है, जब भी कोई दिमाग में, रात को 2:30 बजे भी कोई दिमाग में आया ना, तुरंत लिख लेता हूँ, क्योंकि सुबह तक गायब हो जाता है। अगर आपको सफल होना है, सुबह तक वो आइडिया गायब हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड बन जाओ, राइटर है, कागज पेंसिल अपने साथ रखो, कोई भी आइडिया, और पता नहीं वो आइडिया जो रात में जो है ना, जो शब्द होते हैं वो ऐसे पिरो हुए शब्द होते हैं, बिल्कुल मोती की तरह होते हैं, जो एक धागे में बंधे होते हैं, उन्हीं शब्दों को हाँ बिल्कुल सजे सजाए शब्द होते हैं, उनको वही भाषा में लिख दो जो भाषा आप जानते हैं, और उन्हीं को बोला गया है वो ही लिख दो, आप कामयाब हो जाओगे आप।
और दो चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आप किसी के अपने हो, किसी के सपने हो, किसी के माँ बाप के सपने भी हो और अपने भी हो। मैं देखता हूँ पूरे हिंदुस्तान में भाई मोटरसाइकिल बड़ी तेज मत चलाए, हेलमेट यूज करें। मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ दर्द भी है, ठीक है ना। और दूसरी चीज जो बोलना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान को लाइव सेशन के माध्यम से पानी को बचाएं, पानी बहुत कीमती है। ये टॉपिक से हट गया थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ इन विषयों, इन विषयों पे सर कहते हैं ना कि बेवक्त बात होनी चाहिए, इनके लिए कोई वक्त नहीं होता। क्योंकि मैं मुझे पता है ना कि आने वाली तीसरी पीढ़ी कहीं पानी पैसे में ना बिक जाए, और बहुत महंगे पानी पैसे में ना बिक जाए, दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत आने वाली है अगर आप ऐसे ही व्यवहार करते रहे पानी के साथ। तो ये भगवान की दीवी अमूल्य निधि है, इसको संभाल के रखना। तो दोस्तों सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओ, सफल होना है, कामयाब होना है। और एक काम करता हूँ, अपने कमरे में लिख लो कि मुझे सपने पूरे करने हैं। सपने आपके अपने हैं, आपके अपने हैं सपने, और पूरा करना हमारा फर्ज है। क्योंकि बिल गेट्स ने कहा है, इफ यू डाइड पुअर, इफ यू बोर्न पुअर दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इफ यू डाइड पुअर दैट्स योर प्रॉब्लम। और लास्ट जाते जाते मैं चार थॉट्स, जो मेरी पुस्तक है सोचना तो पड़ेगा ही, उसके बारे में आपको चार थॉट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्त जो फल की इच्छा रखते हैं फूल नहीं तोड़ते। वाह सर, बहुत खूब। जो फल की इच्छा रखते हैं फूल नहीं तोड़ते हैं। दोस्त अगर जीना है जीने चढ़ने पड़ेंगे, जीने मतलब स्टेयर्स। दोस्त अगर जीना है, सर्वाइव करना है, तो जीने चढ़ने पड़ेंगे। और तीन चीज बहुत काम करती हैं, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने हैं। अगर नियत नहीं है काम करने की, नीति नियम बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। और आखिरी और बहुत फेवरेट मेरा, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं एक दिया हूं, मेरा काम ही चमकना, हो सकता है मेरी रोशनी कम हो लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। वाह वाह, बहुत खूब सर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और इनफैक्ट आपने जो कुछ बातें कही है ना, मैं लिखती भी जा रही हूँ कुछ चुनिंदा बातें। नहीं नहीं, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर मेरा लिख लीजिए, मोबाइल नंबर मैं आपको भेज दूंगा। मैं ऐसा नहीं है, मैं ओपन, बड़ा ओपन माइंडेड आदमी हूँ मैं, बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक। लोग अपना मोबाइल नंबर देने से, हाँ, 9654271007, लास्ट में मेरा नंबर मिलेगा, 007 मिलेगा। रिया दी से बिल्कुल ले लूंगी। अपनी कविता पढ़ के चले जाएंगे लेकिन शकल नहीं दिखाएंगे, ये बड़ा अजीब सा होता है भाई यार। yes, तुम यार कविता पढ़ रहे हो, अपने नाम को तुम सार्थक करने वाले हो, अपनी शकल दिखाओ ना। और गजब की बात यह है कि नाम होगा पीयूष गोयल, लिखा होगा the राइटर, नाम भी अलग। मैंने कहा यार नाम लिखो अपना यार, ना शकल दिखाने को राजी हो, ना नाम सही बताने को राजी हो, डरते किस बात, डरते हो तो कविता क्यों पढ़ रहे हो, खुल के सामने आओ ना भाई, नाम ही तो कमाने के लिए आओ। कविता पढ़ने का मतलब है आप कुछ करना चाहते हो, ओपन होने चाहिए। शरमाएंगे, आएंगे नहीं, सर कैसे लेंगे, पता नहीं कैसे लेंगे, अरे लगेंगे जैसे भी लगेंगे, लगेंगे कोई दिक्कत नहीं, आओ और करो अपना काम। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि जब बात सही हो रही हो तो बिना फिल्टर्स के होनी चाहिए, बिना शब्द को पकड़े संभाले होनी चाहिए। क्योंकि सही बात करने में ना आपको पहली चीज़ तो हिचकिचाना नहीं होता है, एंड आपको एकदम जो जो मन में आ रहा है ना आपको वही लेके सामने आना होगा, ये सोचते हुए नहीं कि मुझसे गलती हो जाएगी या फिर कुछ भी। क्योंकि आप जब वो सोच लेंगे ना मुझसे गलती हो जाएगी, तो आप अपनी एग्जैक्ट बातें कभी सामने लाएंगे ही नहीं, कभी रखेंगे ही नहीं। और क्या मैं बोलता हूँ, एजिटेशन जो आपकी है ना, कि आपको मान ले आपके टीचर ने क्वेश्चन किया और आपका आंसर जानते हो आप, और आपने सोच लिया मुझे आंसर पता है उसका आंसर, लेकिन हेजिटेशन खड़े होने की है। 50 बच्चों के सामने पता नहीं आवाज मेरी कैसे होगी, कैसे मैं बात करूंगी, खड़ी होने के बाद मैं कैसा लगूंगा या कैसा लगूंगी, ये चीज जो है ना आदमी को पीछे कर देती है।
आपको आंसर पता है, आप बता नहीं रही हो, एजिटेट हो, तो ये चीजें जो है ना आदमी को भविष्य को जो है ना बहुत पीछे ले जाती है। तो कभी भी बिल्कुल बिल्कुल एजिटेट मत बिल्कुल करो, अगर आप सच्चे हो, अच्छे हो, और आपकी आप में संवाद करने की ताकत है, आप आगे जा सकते बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इनफैक्ट कि वो जो है ना, आपने जो एक बात कही कि सपने देखो और सपनों को तुरंत मतलब जो जैसे आप देख रहे हो उसको उसी तरह से उसको प्रोसेस करना चालू कर दो, वरना आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। कब कई बार छूट जाते हैं हमारे जहन में जो भी बातें आती हैं, या हमारे जो ख्वाब में हमारी बातें आती हैं, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो हमें उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सर जो इतनी सारी बातें कही हैं, और इनफैक्ट आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो वाकई सराहनीय है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कहना चाहूँगी कि मैं और इनफैक्ट पूरी जो फैमिली है TOC की, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वी आर हियरिंग यू, आपको अभी सुन रहे हैं, और आप इतनी सरलता और विनम्रता के साथ हमसे बातचीत कर रहे हैं, बिना कोई फिल्टर्स रखे, बिना कोई हाव भाव, मैं बड़ा हूँ तो मुझे इस तरीके से बात करना चाहिए। वो कहते हैं ना, बच्चों के साथ बच्चों जैसा, और इनफैक्ट बच्चों के साथ बच्चों जैसा नहीं, आप जिसके साथ हो उसी के जैसे बात करें तो शायद आप जल्दी और आसान भाषा में समझा पाते हैं अपनी बातों को, और अपनी बातों को रख पाते हैं। और मैं पत्रकारिता की छात्रा हूं, तो ये कहूंगी कि वो कहते हैं ना कि भाषा क्या होता है, जो आपने कह दिया और सामने वाले को समझा दिया, भाषा उसी को कहते हैं। वो कोई बंधी हुई नहीं है आप कि आप यकीन करेंगे मैं कुछ जी बोलूं आपको। मैं जब छोटा सा था, मेरे फादर की पोस्टिंग ऐसी जगह थी, बहुत इंटीरियर में थी, मेरे फादर जनरल मेडिकल ऑफिसर है। तो मैंने बचपन में एक्चुअली में मैं बच्चों से भी सीखा हुआ आया हूँ, क्योंकि कुछ जो व्यवहारिक घटना हो रही है ना, उन चीजों से बहुत सारी चीजें आपको पता लगती है। अब आपके साथ मैं थोड़ी सी चीजें और शेयर सर। करूंगा, थोड़ा समय और आप मेरे को दीजिए प्लीज। तो हाँ बिल्कुल बेशक सर। फादर के पास एक मित्र थे हमारे, हम छोटे छोटे से थे, और मम्मी बड़े हमें बड़ा लाड़ प्यार करते थे। वो क्या करते थे, जब छोटे से थे तो हमको नहाना धोना, और यहाँ पे जो है ना वो बाल पाने के बाद एक हल्का सा बाल ऐसे करते थे, इस तरह से एक वो बनाते थे, और यहाँ पे ठीक कान के पीछे वो काले रंग का टीका लगाते थे। है हाँ, तो ये था उनका। तो पापा के पास एक फ्रेंड आया करते थे, कभी वो खुली जीप में आते थे, कभी घोड़े पे आते थे, यानी घोड़े पे तो वो अक्सर आते थे। और हमारे लिए आप यकीन करेंगे कि वो 10-15 टॉफियां उनकी जेब में होती थी, और वो जब भी जाते थे मेरे को टॉफियां देके जाते थे। अब मैं पापा से जी पूछा, मैंने कहा यार ये पापा ये बड़ा स्मार्ट सा बंदा जो है, वो आता है टी शर्ट में आता है पूरा, यानी कि वो मेरे ख्याल से पूरा कहीं किसी, मैं जानता नहीं था उनको, मैं छोटा सा था। तो फादर मेरे बोलते थे कि भाई बाबा अच्छी रिच फैमिली से है। तो आज की वो जो बचपन में दी हुई जो ट्रॉफियां है ना, वो जिम में लेके जाते थे, आजकल मैं भी वही करता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन में सीख लिया मैंने। अपनी जेब के अंदर ट्रॉफियां रखता हूँ, मान लिया कहीं मंदिर में जा रहा हूँ या कहीं किसी उसमें जा रहा हूँ, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जेब में से दो ट्रॉफी निकाल कर उसको दे दी। भाई किसी को अपना बनाना वाह है बिल्कुल तो प्यार तो बांटना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत खूब और सर। एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया था कि अंकल मेरे को कारपेंटर की स्पेलिंग याद नहीं हो रही है, मुझे कारपेंटर की स्पेलिंग याद करा दो। 1987 की बात थी। मैंने कहा बेटा मैं तेरे को अगर कारपेंटर की स्पेलिंग याद करा दूं तो क्या दोगे? तो उसने कहा था अंकल मैं तुमको लॉलीपॉप दूंगा। तो मैंने कहा लॉलीपॉप तुम छोटे हो, लॉलीपॉप भी हम खिलाएंगे। तो कहने लगा अंकल कारपेंटर की स्पेलिंग याद कराओ, उसको मैडम मारेगी। तो मैंने उसको कारपेंटर की स्पेलिंग याद कराई। मैंने बेटा कार की याद है, कहने अंकल याद है, मैंने पेन की याद है, कहने अंकल याद है, मैंने अंकल कारपेंटर याद हो गया मेरे को। तो आप यकीन करेंगे 2003 में फिर मैंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इजी स्पेलिंग। उसके अंदर मैंने वो बच्चे से प्रेरणा, बच्चे से कारपेंटर की जो प्रेरणा थी उसको लेकर के मैंने 7 महीने डिक्शनरी को स्टडी किया, और उसमें से मैंने ये तरीके निकाले कि बच्चों को स्पेलिंग याद करने के तरीके, ऐसे ऐसे तरीके निकाले हैं। आप भी यकीन यस करेंगे सर तो मैं आपको, इस दिन सेशन होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ऐसे ऐसे तरीके हैं जो बच्चे भूलेंगे नहीं जिंदगी में। वयम का वी बना दिया, युजम का यू बना दिया, अहम का आई बना दिया, चर्म का डर्म बना लिया, पोत का बोट बना लिया, इस तरह से हैं। और मैं आपसे पूछूं सर, इस लाइव सेशन के माध्यम से टोटल वर्ड्स पूरी डिक्शनरी में कितने हैं जिसके अंदर पांचों वोवेल है? कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर एक भी वोवेल नहीं है?
तो ये उस बच्चा, अगर वो बच्चा कारपेंटर की स्पेलिंग ना पूछता और मैं ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ना देखता, तो मैं पूरी दुनिया को ये बताने के लायक ना होता और ये बता नहीं पाता कि 23 ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर पांचों वोवेल हैं, 34 ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर एक भी वोवेल नहीं है। तो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों से भी सीखने की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे से आप सीख सकते हैं और आप प्रेरित हो सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची थी, बिटिया थी, बहुत प्यारी सी बिटिया थी, तो मैं उनके घर पे गया और मुझे आज तक याद है वो चप्पल को चप्पल नहीं बोलती थी, वो चप्पल को चैलीपल बोलती थी। चैलीपल। तो मुझे मुझे वो वर्ड आज भी याद है। मैं कई बार बोलता हूँ कि चप्पल नहीं चैलीपल बोलो, तो एक नया शब्द। तो ये चीजें हैं जो बड़ी अच्छी लगती है। Yes, और इनफैक्ट वो ऐसा लगता है ना कि वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, वो सोच के अच्छा लगता है। गलत सही बट कोशिश कर रहे हैं और वो सोच के समझ के अच्छा लगता है। तो वैसे साली जी एक बात बताऊं आपसे, मैं बिटिया के समान और मेरी बिटिया बिटिया ही हो एक तरह से, आप बहुत राइज करने वाली, बहुत आगे तक जाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका जो है ना, आपने जो आपका जो बात करने का वो लगा ही नहीं मेरे को कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। आप ऐसा लग रहा है बिल्कुल संवाद, हम एक तरह से फैमिली होकर बैठ के ना बिल्कुल बात कर रहे हैं, चाय कॉफी चाय टेबल पे कॉफी टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इसको मैं क्या कहूँ, आशीर्वाद समझ के अपने पास रख रही हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत मैं ये अच्छी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लोग मेरे से मिले और 20 साल बाद मिले तो ये कहें कि ये पीयूष सर हैं और इन पीयूष सर ने हमें कुछ बताया था और आज उनके शब्दों से हम कामयाब हो गए। तो वहां से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, ऐसे शब्द देना मेरे को जो जिससे वो प्रेरित होकर अपनी जिंदगी में सफल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी के शब्दों से प्रेरित होता है और कोई नहीं जानता है कि किसको हो सकता है, चाहे वो रात चलता कोई मुसाफिर हो, उसकी कोई बात समझ आ गई हो, उसकी कोई बात एकदम खटक गई हो और वो घर कर गई हो, तो ये सारी बातें तो खैर अभी मैं एक मैगजीन के लिए छोटी स्टोरी लिख रहा हूं, छोटी स्टोरी लिख रहा हूं तारे जमी पर, उसके अंदर एक कहानी आप यकीन करेंगे, मैं वो कहानी आपको भेजूंगा आप पढ़ना। बेशक बेशक, अचानक दिमाग में आई, अचानक मैंने लिखी और इतनी पॉपुलर होगी वो। 5 रुपए का चमत्कार के नाम से कहानी है। ओह नाइस। 5 रुपए, तो वाकई में वो जो 5 रुपए है ना, वो जो 5 रुपए उसको आदमी को दिए गए हैं एक सेठ द्वारा, और उससे प्रेरित होकर के कितना बड़ा आदमी और कितना कामयाब हुआ। Yes, मैं आपको शेयर करूंगा। वो लोगों ने, पूरी दुनिया में लोगों ने उसको पसंद किया, इतने लाइक हैं उस कहानी को। और अभी जो मैं छोटी सी कहानी लिख रहा हूँ, अभी जो मैं छोटी सी कहानी लिख रहा हूँ, छोटा सा मैं रूप बता रहा हूँ आपको उस कहानी का, कि एक आदमी को सोने की अंगूठी पाई है और वो अंगूठी वो आदमी अपने पास रखना नहीं चाहता, वो जिसकी है वो अंगूठी उसको देना चाहता है। ये कहानी का ये स्टार्टिंग है और ये एंड भी है कि वो देना चाहता है। इसके बीच में जो कहानी आने वाली है ना, वो पढ़ने वाली होगी। लिख रहा हूँ, आधी लिखी गई आधी रह गई है। बहुत सर, बहुत खूब, और उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें मुझ तक पहुंच जाएंगी और मैं रिया से डेफिनेटली कहूंगी कि एक बार मुझे आपके साथ कनेक्ट करा दे। और इन फैक्ट सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और वो कहते हैं ना कि आप जब होस्ट होते हैं तो कई बार आपको ये कहना पड़ता है जब नहीं भी लगे फिर भी, बट यकीनन मैं दिल से कह रही हूँ कि वाकई बहुत अच्छा लगा और एक एक शब्द को मैंने बहुत ही खुशी के साथ अपने पास रखा है और कभी ना कभी आशा करती हूँ कि मैं उसे जीवन में इस्तेमाल करूँगी ही करूँगी, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी है और बड़ों से ली गई बातें कहीं भी छूटती नहीं है, वो कहीं ना कहीं ज़रूरत आ ही जाती है और काम आ ही जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना इतना कीमती वक्त हम सभी को देने के लिए। एक शब्द और बोल देता हूँ, एक लाइन और बोल देता हूँ, सुख और दुख में, सुख और दुख में एक अक्सर एक है जो हमेशा एक साथ रहता है। सुख में खे है, दुख में खे है, जो हमेशा एक साथ दिखता है, फिर हम क्यों नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब से, बहुत खूब।
बहुत अच्छा लगा सर, इनफैक्ट आपसे बात करके, और ऑडियंस भी बहुत पसंद किया, ऑडियंस ने भी, और बहुत सारी टिप्पणी कर रहे थे वो थ्रू आउट, और कभी बहुत सारे दिल, बहुत सारे लाइक्स भेज करके हमारी बातों को, आपकी बातों को सराह रहे थे और बहुत पसंद कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर फिर से एक बार, मेरी तरफ से टीम TOC की पूरी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त लाइव कब दिया। आएगा ये? और मेरा मतलब ये पोस्ट कब हो जाएगा? सर मोस्टली मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो ऐसा रिया को कहा था कि हम एक सेशन रखे जूम पे जो हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये इंस्टाग्राम लाइव्स ना सर, उसमें इंटरनेट इशू के वजह से बहुत, मुझे ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं लग पाता है। जैसे अभी भी आपकी थोड़ी सी वीडियो ब्लर है, थोड़ी देर पहले मेरी थी, तो मैं कोशिश करूंगी कि रिया से मैं बात करूं, रिया दी से एक बारी बात करूं, और हम लोग जूम पे कुछ राइटर्स को बुला के प्रॉपरली एक ओपन मिक करें, और फिर उसके बाद एक शॉर्ट, वो एक होता है ना पब्लिक स्पीकिंग आपका, वो करें और उसको हम लोग रिकॉर्ड करके एडिट करके डालेंगे। हाँ वो तो है, ये भी रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डिंग तो आपने की होगी इसकी भी वैसे, सर देखना होगा मुझे थोड़ा सा कि हुआ तो होगा ही, रिकॉर्डिंग देखना होगा। हाँ रिकॉर्डिंग होगा, जी रिकॉर्डिंग हो तो डाल देना प्लीज, ठीक है ना, मैं इसको शेयर जी कर जी दूंगा कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है बिल्कुल सर ओके बिल्कुल, ओके भाई, आप ओके भुवनेश्वर से हैं? जी। आप नहीं सर, भुवनेश्वर उड़ीसा से? सर हम बिहार से हैं सर। अच्छा, कोई बात नहीं, बिहार से तो बड़े महान लोग भी हैं, आइए पीछे सबसे ज्यादा जी हिंदुस्तान के बिहार से मिले हैं। जी ओके ओके बिल्कुल सर, ओके योर ओके सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। थैंक यू।